साइबर सिटी गुरुग्राम में जमीन की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं, लेकिन आसमान छूती कीमतें अब रिश्तों पर भारी पड़ने लगी हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव झांडसा में सामने आया है, जहां पर एक सगे भाई और बहनों ने जमीन को लेकर एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। इस मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बीते दिन का है। वीडियो में दिख रही इन दोनों परिवारों के बीच विवाद तब और बढ़ गया जब दोनों बहनें घर पर पहुंची। आपसे कहा सुनी के चलते देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे पर आग बबूला हो गए। इस दौरान आरोप है कि भाई ने बहनों के साथ मारपीट की। अपने भाई के से मिलन आई थी, मेरे भाई की तबीयत खराब थी, तो भाभी के रूम उसमें परली दुकान ना में एसी चल रहा था, इनने कब्जा कर रखा है। बड़े भाई के बच्चे हैं और बड़े भाई ने उस प्रॉपर्टी छोटे भाई की है, कागज भी है सारे, टैक्स भी भरता है, बिजली बिल भी हमारे नाम है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसकी एड्रेस पे हैं। उन्हें ज़बरदस्ती 4 महीने से कब्जा कर रखा है। कल मैं उससे मिलन आई, उन्होंने बोली बिल इतना आ रहा है, एसी बंद करा। मैं एसी बंद करके घर के जैसे ही हम आए ना, पता नहीं ये कहाँ से निकल का आए, तीन वहाँ का मारे ये चिपट गए, चिपट गए, मैंने खींच के मेरे परले प्लॉट में ले गए, इसने बाथरूम में ले गए और भाभी वहीं घेर दी गई। वीडियो सारी है, आप देख लेना। मेरे तो इतना मारिया कती खूद पूरे जो हड्डी टूटी पड़ी है, ये हाथ भी काम ना कर रहा है, ये यहाँ भी मार रहा है। 10 साल पहले इसने, ये बड़ा भतीजा है, बड़े भाई का लड़का है, इसने माता जी को, उसने छोटे भतीजे ने माता जी को फाली मारी थी, सिर में फाली मारी थी। और उससे पहले इसने इसके घर में घुस के सिलेंडर में आग लगाई। और उससे पहले इसने, भतीजे ने, इसने इसकी ज़मीन पे 20 लाख रुपए फरोड से बयाना लिया था। क्या क्या वो करे, अब हमारा क्या है, हम दोनों बहनें इसकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। इन्हें पूरे परिवार ने हमारे को इतना मारा है, अक ये तो आप हालत देख रहे हो, और मेरे भी ये सारा पूरा शरीर दुख रहा है। ये ऊपर से कूद के हमारे पे सारी मारपीट करी है। इसके मेरे बड़े भाई ने ईंट मारी है, जब इस लड़के को लगे, वो मेरा मारा था, इसको लगी है। अगर ये बात नहीं हो तो उसमें देख लो आप। वहीं दूसरी ओर भाई का कहना है कि उनकी दोनों बहनों ने उसके छोटे भाई के कहने पर घर में कब्जा करने के उद्देश्य से पहले घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया। परिजनों का आरोप है कि विरोध करने पर दोनों बुआओं ने भतीजे के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब बीच बचाव करने के लिए परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी जमकर मारपीट की गई। इस दौरान पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मेरा नाम आरती है। कल मेरे हस्बैंड यहाँ पे अकेले थे और बुआ जी आई, दोनों आके बाहर के लॉक लगाए दोनों दुकानों के, और अंदर का गेट का लॉक लगाया, उस तरफ के जो गेट हैं वे अंदर से बंद कर लिए, और मेरे हस्बैंड को यहाँ दोनों गुथगी, और हस्बैंड को इतना पिटा दोनों ने, वे बोले बुआ जी क्या कर रहे हो, फिर भी नहीं मानी वे, उन्होंने गलत जगह से पकड़ के उसको बेहोश कर दिया यहाँ गिरा के। फिर बेटा आया, जैसे तैसे करके फ़ोन किया, बेटा आया, कोई दरवाज़ा नहीं खोला, वहाँ से दीवार से कूद के, बेटा और मेरा देवर है वे कूदे हैं, उन ना का गेट का ताला तोड़ा है, और बेटे का जैसे भी कूदा, बेटे का बुआर ने सिर फोड़ दिया। वह यहाँ कब्जा करने आई थी, लॉक लगा के उनने गलत इंजाम लगाए हम लोगों पे, और मेरी दादी ने 4 साल तक वे पिटने लग रही हैं, 4 साल तक दादी ने पिटने लग रही है। एक दिन मैं खुद गई हूँ छुटाने के लिए, वे मेरे भी गुथी हैं, दादी को बोलिए किराएदार की लैटरिन खा ले, ये कर ले, वो कर ले, तो हमें गुस्सा आएगा ना। बेटे को टाके आए हैं सिर में, 8 टाके आए मेरे बेटे की, 15 साल उम्र है, जिन दोनों ने वो मेरा बेटा मारा, और मेरा हस्बैंड यहाँ बेहोश करके गिर रखा था, दोनों बाप बेटा मार दिए उन्होंने अपनी तरफ से। मैं ये चाहती हूँ हमें न्याय मिले और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होए, मेरा बेटा इन्हें जिंदगी बर्बाद कर दिया है, बेटे की भी और बाप की भी, और दोनों है ना आप जाके सरकारी हॉस्पिटल में पड़ी हैं, अब हमें ये कर दिया, वो कर दिया, छेड़छाड़ कर दी, उनके साथ क्या छेड़छाड़ कर दी, हमें सख्त से सख्त पे कार्रवाई होनी चाहिए और हमें न्याय मिले। इन्होंने सबसे पहले कैमरा ऑफ करा, मतलब हमारे पास उतनी फुटेज है जब ये कैमरा ऑफ करा, और इन्होंने मेन गेट का ताला लगा दिया, फिर मेरे पापा के साथ झगड़ा करने लग गई, मतलब मेरे पापा ने फिर घर फ़ोन करा, मैं चाचा और मेरी मम्मी गए वहाँ, तो मेरे पापा मतलब मारने लग रहे थे दोनों, ईंटों से पथराव कर रहे थे उनके ऊपर, तो जैसे मैं पहुँचा इन्होंने मेरे सर पर ईंट मारी और मेरे हाथ पर ईंट मारी, उंगली कट गई मेरी,
और सर पर टाके आए जी। कब्जा लेने आए थे जी हमारी प्रॉपर्टी में दोनों, पापा की बुआ हैं दो, सविता एक का नाम, एक का नाम इंद्रो है। उतनी फुटेज है हमारे पास, जब एक सीसीटीवी काटा इनने और ये गेट पे ताला लगाया। मांग तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसे तो दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं हमारे साथ। मांग ये है कि मेरी माँ को मेरी बहन बहन है बड़ी, बहुत दुखी करती हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए और मेरी माँ सुखी रहनी चाहिए। वे प्रॉपर्टी के लिए दुखी करती हैं, बस वे सोचती हैं हम ही ले ले सारी प्रॉपर्टी को, और मैं भी उन्होंने बहुत मारी थी और मेरी माँ को भी हर दिन मारते ही रहते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे न्याय चाहिए। माँ बेटी है ना, तभी मारने चढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे के पास कुछ है नहीं है ऐसा जो सहारा हो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, इनके पास सब चीज़ है। हाँ, हम सारे परिवार, अब ये परिवार आ गया तो इनके साथ भी मारपीट हर रोज होती है। वहीं इनकी 90 वर्षीय बुजुर्ग माँ का कहना है कि उनकी दोनों बेटियाँ आए दिन उनके साथ मारपीट करती हैं और मकान पर कब्जा करने के लिए उन पर दबाव बनाती हैं। इतना ही नहीं, उनकी ये बेटियाँ उसके साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग करती हैं। सारी प्रॉपर्टी खोज ली, 4 सालों के घर तो काट दी बेटी भी द्वारा मुड़ रहा हूँ, फिर मैं बड़ा आ गई तो अड़ मारपीट करना आ जाती है। कौन ये छोटे बेटा? वो छोरी उड़ा बैठी से, चाहे जब मान लिया बेटा ये मल भी गला ना छोड़ रही। कैसा लोग बेटियां का इंद्रा और सविता, और ये आई ये छोरी, ये पोती सविता, वो अरे ना वाह, अरे नीतार कमलेशर, ये ना टिकन देते कि ये मल भी। वही वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स प्रेते से जब पूछा गया तो उसने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी दोनों बहनें पिछले कई महीनों से उन्हें लगातार परेशान कर रही हैं और आए दिन उन्हें मानसिक तनाव देते हुए मारपीट करती हैं। बीते दिन भी योजनाबद्ध तरीके से घर आकर उन्होंने परिवार के अन्य सदस्य के साथ मारपीट की। इस दौरान जब वह बीच विचार करने आए तो इस वीडियो को एडिट कर वायरल किया जा रहा है। दोनों बहनें हैं, उनने यहाँ पे आकर पहले हमारे कैमरे काटे हैं, तार हटा दिए, उसके बाद में हमारी दुकान थी दो, वो खुली थी, उनके दोनों के ताले बंद कर दिए, फिर बाद में इस गेट पर आए हैं। इस गेट पर आने के बाद अंदर का ताला बंद करके अंदर मेरा लड़का था उसके साथ मारपीट करी है, और मतलब जैसे भी तैसे करके उसने मौका लगा के या टाइम दिया भगवान ने, वो फोन कर दिया। हम फिर घर से दूसरे घर से यहाँ पर पहुँचे हैं सारे। मेरा एक जो जब मारपीट हो रही थी तो दीवार कूद के हम अंदर आए हैं, वो आने के बाद मेरा जो पोता आया है उसके भी ईंट मारी है और चोट लग रही है, आज वो हॉस्पिटल में। इस पूरे मामले में एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि दोनों बहनें अपने गांव झांडसा आई हुई थी जहां उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, जल्द ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। झांडसा में झांडसा गांव की दो लड़कियां, दो शादीशुदा हैं, वो अपने पियर में आई थी अपने भाई से मिलने, और वहाँ पे उसके भाई और भतीजों ने उनके साथ मारपीट की और उनके साथ ऐसी हरकतें की, तो जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है और उसके संबंध में उचित कार्रवाई की जा रही है। अभी इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और बहुत जल्द इसके संबंध में गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दे दी गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़, गुरुग्राम।